आज की इस वीडियो में मैं आपको इन दो गलतियों के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से कई सारी महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती और ऐसा हो सकता है कि आप भी इन्हीं दो गलतियों की वजह से प्रेग्नेंट ना हो पा रही हो। और इन दो गलतियों के बाद मैं आपको उस स्पेशल डे के बारे में भी बताऊंगा जिस दिन आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलता है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये दिन इतना स्पेशल क्यों है। पर पहले हम इन दो गलतियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। आजकल हमारे चारों तरफ वही चीजें मिलती हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, और इनफैक्ट ये पूरा एक बिजनेस मॉडल है जिसमें आप, मैं और हमारे जैसे आम लोग बुरी तरह से फंसते चले जाते हैं। पहले ये हमें बीमार करते हैं और फिर दवाइयों को बेच के पैसे कमाते हैं। दरअसल शुगरी फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, व्हाइट ब्रेड और पोटैटो चिप्स, इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, और जब आप इन्हें खाते हो तो आपकी बॉडी एकदम से शुगर रिलीज करती है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस का रिस्क भी बढ़ जाता है और हार्मोन्स भी इम्बैलेंस हो जाते हैं। और आपको ये तो पता ही होगा कि पीसीओडी, पीसीओएस, मोटापा और इनफर्टिलिटी भी हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से ही होती है। और ये सारी प्रॉब्लम्स हो तो बहुत आसानी से जाती हैं, लेकिन इसे नेचुरली ठीक करने में 6 महीने, 8 महीने और 1 साल भी लग सकता है। और इतना टाइम जब लगेगा जब पेशेंट सीरियस होता है, वरना कई केसेस में तो ये प्रॉब्लम्स पूरी जिंदगी ठीक नहीं हो पाती। तो अगर आप जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहती हो और अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहती हो तो आपको वो खाना खाना चाहिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। इस चार्ट को देखिए, इस चार्ट से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आप जो भी चीज दिन भर में खाती हो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है या फिर लो है। और एक और चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि गेहूं के आटे की रोटी की जगह बार्ले, चना या फिर ओट्स के आटे की रोटी खाइए, और सर्दियों में बाजरे की रोटी भी खा सकते हो क्योंकि इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी शुगर रिलीज नहीं करती, जिसकी वजह से आप मोटे भी नहीं होते और आपके हार्मोन्स बैलेंस में भी रहते हैं। और दोस्तों, अगर आपने इतना सभी चेंज कर लिया तो डेफिनेटली आप कुछ महीनों में पतले हो जाओगे, आपके हार्मोन्स बैलेंस में आ जाएंगे और आप प्रेग्नेंट भी हो सकोगे। इसके बाद अगला पॉइंट है, देखिए गाड़ियों की वजह से वैसे ही हवा दूषित होती जा रही है जिसकी वजह से बिना सिगरेट पिए भी हमारे अंदर पॉल्यूटेड हवा जा रही है, और अगर आप ऊपर से सिगरेट पीने लगते हो तो फिर तो महिला का एग सेल और पुरुष के स्पर्म सेल इतने काबिल ही नहीं होंगे कि वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कर पाए क्योंकि सिगरेट और अल्कोहल हमारे सेल्स को डैमेज करती है, और एग और स्पर्म भी एक सेल ही हैं जिन पर इनका बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हो तो पुरुष और महिला को ये दोनों चीजें बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। अब दोस्तों, हम बात करेंगे उस स्पेशल डे के बारे में। तो फ्रेंड्स, बच्चेदानी का मुंह खुलने के लक्षण पर बात करने से पहले मैं आपको बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला दिन निकालना सिखा देता हूँ ताकि आप उन लक्षणों को उस दिन महसूस कर पाओ। तो फ्रेंड्स, बच्चेदानी का मुंह खुलने वाले दिन को निकालने के लिए आपको सबसे पहले अपनी पीरियड साइकिल लेंथ के बारे में पता होना चाहिए। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पीरियड्स कितने दिन में आते हैं। तो चलो सबसे पहले हम पीरियड साइकिल लेंथ कैलकुलेट करनी सीख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पीरियड साइकिल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है और वो है हर महीने अपने पीरियड की स्टार्टिंग डेट को एक कॉपी पर नोट करना। तो इसलिए आप भी अपने पीरियड्स की स्टार्टिंग डेट को एक कॉपी पर नोट जरूर करिएगा। तो चलो अब हम पीरियड साइकिल लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मान लो कि आपका पहला पीरियड 6 अप्रैल को आया था और दूसरा पीरियड 3 मई को आया था, तो इस केस में आपकी पीरियड साइकिल लेंथ 28 डेज की होगी। चलो काउंट करके भी देख लेते हैं। 6 अप्रैल को हम डे 1 काउंट करेंगे क्योंकि 6 अप्रैल को पीरियड स्टार्ट हुआ था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 3 अप्रैल को दूसरा पीरियड आया था। तो 3 अप्रैल को काउंट करने के बाद पीरियड साइकिल लेंथ आई 28 डेज की। और फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी तरह आपको अपने लास्ट 2 महीनों के पीरियड की डेट के हिसाब से पहले अपनी पीरियड साइकिल लेंथ कैलकुलेट कर लेनी है। अब पीरियड साइकिल लेंथ निकालने के बाद हम बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला दिन निकालेंगे, और ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी कई बार बताया है कि बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला दिन पीरियड साइकिल लेंथ में से 14 डेज माइनस करने के बाद निकलता है। तो चलो बिना किसी देरी के पीरियड साइकिल लेंथ में से 14 डेज माइनस कर लेते हैं। तो 28 माइनस 14 होता है 14, यानी इस केस में आपकी बच्चेदानी का मुंह 3 मई के 14 डेज बाद खुलेगा। अब चलो वो दिन भी काउंट कर लेते हैं। 3 मई को दूसरा पीरियड स्टार्ट हुआ था, तो 3 मई को हम डे 1 काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 यानी इस केस में आपकी बच्चेदानी का मुंह 16 मई को खुलेगा। और फ्रेंड्स 16 मई के आसपास ही आपको आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलने के लक्षण भी नजर आएंगे और उन लक्षणों के बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बात करने ही वाला हूँ, पर पहले आप इस चार्ट को देख लीजिए जिसमें अलग अलग पीरियड साइकिल लेंथ के सामने बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला दिन लिखा हुआ है। तो जिस फीमेल की साइकिल लेंथ 28 डेज की है उस फीमेल की बच्चेदानी का मुंह पीरियड स्टार्ट होने के 14 डेज बाद खुलेगा और ये तो हमने कुछ देर पहले भी कैलकुलेट करा था। जिस फीमेल की साइकिल लेंथ 29 डेज की है उस फीमेल की बच्चेदानी का मुंह पीरियड के स्टार्ट होने के बाद 15th डे को खुलेगा। जिस फीमेल की साइकिल लेंथ 30 डेज की है उस फीमेल की बच्चेदानी का मुंह पीरियड के स्टार्ट होने के बाद 16th डे को खुलेगा और जिस फीमेल की साइकिल लेंथ 31 डेज की है उस फीमेल की बच्चेदानी का मुंह पीरियड के स्टार्ट होने के बाद 17th डे को खुलेगा। और फ्रेंड्स आपको भी अपनी साइकिल लेंथ के हिसाब से अपनी बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला दिन निकाल लेना है। खैर जिस दिन बच्चेदानी का मुंह खुलता है उस दिन आपके शरीर में कुछ लक्षण भी देखे जा सकते हैं। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं उन 5 लक्षणों के बारे में और इन 5 लक्षणों में से भी चौथे और पांचवें लक्षण को देखकर आप ये बहुत आसानी से पता लगा सकते हो कि आपकी बच्चेदानी का मुंह खुल गया है। पर सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पहले लक्षण के बारे में जो है ब्रेस्ट टेंडरनेस। जिस दिन बच्चेदानी का मुंह खुलता है उस दिन महिला की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से महिला की ब्रेस्ट सेंसिटिव हो जाती है। इसके बाद हमारा दूसरा लक्षण है बेसल बॉडी टेम्परेचर। जिस दिन एक फीमेल की बच्चेदानी का मुंह खुलता है उस दिन फीमेल की बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसलिए जब आपके पीरियड्स खत्म होते हैं तो आप अगले दिन से अपना बॉडी टेम्परेचर जरूर नोट करिए और जिस दिन आपकी बॉडी का टेम्परेचर हल्का सा बढ़ा हुआ होगा उसी दिन आपकी बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ होगा। जनरली एक फीमेल का बेसल बॉडी टेम्परेचर 97 टू 97.5 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में होता है, लेकिन जिस दिन फीमेल की बच्चेदानी का मुंह खुलता है उस दिन फीमेल का बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़कर 97.6 टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में हो जाता है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि आपको अपना बॉडी टेम्परेचर सुबह सुबह उठने के तुरंत बाद नोट कर लेना है। इसके बाद आता है हमारा तीसरा लक्षण जो है लिबिडो चेंजेस। दोस्तों बच्चेदानी का मुंह खुलने वाले दिन महिला को नेचुरली अपने पार्टनर के साथ कोर्स करने का मन करता है और ये भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही होता है। चलो अब हम बात करते हैं अपने 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट लक्षण के बारे में यानी लक्षण नंबर 4 और 5 के बारे में। तो बच्चेदानी का मुंह खुलने का चौथा लक्षण है डिस्चार्ज, वाइनल डिस्चार्ज। दोस्तों वैसे तो वजाइना से डिस्चार्ज होता ही रहता है, लेकिन जिस दिन आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलता है उस दिन आपकी वजाइना से कच्चे अंडे जैसा वाटरी डिस्चार्ज निकलता है और जब आप वजाइना से इस तरह का डिस्चार्ज निकलता है तो आप समझ जाइए कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए अपने पार्टनर के साथ कोर्स करना शुरू कर देना चाहिए। दरअसल ये डिस्चार्ज इसलिए निकलता है ताकि पुरुष के शुक्राणु बच्चेदानी में आसानी से तैर कर जा सके। इसके बाद हम बात करते हैं अपने 5th और मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम के बारे में और मैं आपको ये सिम्टम बता तो रहा हूँ, लेकिन आपको ये सिम्टम बिल्कुल चेक नहीं करना क्योंकि हमारा 5th सिम्टम है चेंजेस इन पोजीशन ऑफ सर्विक्स। दोस्तों सर्विक्स को ही हम बच्चेदानी का मुंह कहते हैं और जिस दिन बच्चेदानी का मुंह खुलता है यानी सर्विक्स ओपन होता है उस दिन इसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपको अपनी फिंगर से सर्विक्स की पोजीशन को बिल्कुल चेक नहीं करना। अगर आप अपने फिंगर से सर्विक्स की पोजीशन को बार बार चेक करती हो तो आपको इंजरी हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है और साथ ही आपके सर्विक्स को इन्फेक्शन भी हो सकता है और जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी ठहरने में भी मुश्किल हो सकती है। तो इसलिए फिंगर से सर्विक्स यानी बच्चेदानी के मुंह की पोजीशन को बिल्कुल चेक मत करिएगा। फिंगर टेस्ट की जगह आप ओव्यूलेशन किट का यूज कर सकती हो, बाकी लक्षणों को महसूस कर सकती हो या फिर जिस तरह मैंने बच्चेदानी का मुंह खुलने वाले दिन कैलकुलेट करना सिखाया है उस तरह बच्चेदानी का मुंह खुलने वाले दिन को कैलकुलेट भी कर सकती हो।